हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन करने के बाद आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ पॉइंट 24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। हमारे पास कोई एक सैंपल है जिसका वेट दिया हुआ है हमें 0.24 ग्राम। उसमें ऑक्सीजन और बोरोन जो है वो प्रेजेंट है। जब हमने उसको एनालिसिस किया, उसको जब हमने चेक किया कंपाउंड को, तो हमें पता लगा कि उसमें 0.096 ग्राम जो है वो हमारे पास बोरोन थी और 0.114 ग्राम जो थी वो ऑक्सीजन थी। हमें अब ये बताना है कि बाय परसेंटेज बोरोन कितनी थी और बाय परसेंटेज ऑक्सीजन कितनी थी, मींस दोनों की परसेंटेज बतानी। ये क्या है, ये ओवरऑल इसी का वेट है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। देखिए, अगर हम 0.096 को ऐड कर देंगे 0.144 से, तो हमारे पास 6410 9104 2, तो हमारे पास यही आ गया 0.24 ग्राम। तो बेसिकली ये क्या है, इन दोनों को मिला के हमारे पास वेट ऑफ द सैंपल ही मिलने वाला है। हमें यह बताना है कि बोरोन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। कंपाउंड में बोरोन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। जैसे कि आप अपने मार्क्स निकालते हो कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ऐसे ही हम ये चेक करेंगे कि पूरे कंपाउंड में बोरोन कितनी परसेंट है और पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी परसेंट है। तो पहले हमें जो जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। हमें दिया वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल दिया 0.24 ग्राम। उसके बाद हमें वेट ऑफ बोरोन दिया, ये दिया हमें 0.096 ग्राम। उसके बाद हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया, ये दिया हमें 0.144 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ बोरोन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं जितनी हमारी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, डिवाइड करते हैं उसे हम टोटल के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। जैसे कि मान लो कि मेरा 600 नंबर का पेपर है, टोटल 600 मार्क्स मेरा टोटल एग्जामिनेशंस थे, उसमें से मेरे 500 नंबर आए, तो मेरे आए कितने, 500 आए मेरे, टोटल कितने थे, 600 थे, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मुझे परसेंटेज मिलेगी। मीन्स जितनी चीज प्रेजेंट हो वो डिवाइड करेंगे जितना टोटल हो और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। जितनी चीज प्रेजेंट है उसको टोटल क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। आप अपनी इजीएस्ट के लिए आप ये मान सकते हो कि ये आपका टोटल मार्क्स है, ये आपके टोटल मार्क्स हैं जो आपके एग्जाम जिसमें से आपको मिलने थे। जैसे आपका 600 होता है, 800 होता है, 500 होता है, ये आपका टोटल मार्क्स है जिसमें से आपके आने हैं। ये कौन से मार्क्स है जो आपने गेन किए हैं, और ये वाले ये भी आपने गेन किए। मान लो ये इंग्लिश में है, ये मैथ्स में है, जिसमें भी आपने मानने, तो ये आपका टोटल है, ये हमेशा नीचे रहेगा। जो वेट का सैंपल का वेट होता है वो हमेशा हमारी टोटल क्वांटिटी होती है, मींस कि हमारे वो टोटल मार्क्स होते हैं, और उसे और जो हम बाकी जो कंपाउंड हमें दिए होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको आप सब्जेक्ट्स मान लो कि बोरोन एक कोई सब्जेक्ट है और ऑक्सीजन कोई एक सब्जेक्ट है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स में से, हमारे
टोटल मान लो कि 600 का अगर टोटल है तो मान लो कि इंग्लिश में मुझे 80 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में मुझे 80 मार्क्स मिल गए हैं, तो ये इंग्लिश मेरे लिए अब बोरोन बन गया है। और मुझे बोरोन की अगर परसेंटेज निकालनी है तो मींस मैं निकालना चाहता हूं कि मेरे पूरे टोटल में से जो मेरी इंग्लिश की परसेंटेज थी वो कितनी, इंग्लिश में कितने है 80 डिवाइड टोटल कितने से 600 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसे आपको करना है, जो वेट होगा सैंपल का वो हमारे टोटल क्वांटिटी होगी, जो भी हमें आगे एलिमेंट्स दिए होंगे वो उनको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें अपना परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पहले बोरोन के निकालते हैं, बोरोन का वेट हमें कितना गिवन है 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको पॉइंट हटाने आते होंगे, यहां से हटाएंगे तो यहां पे दो जीरो आ जाएंगे, यहां से हटाएंगे तो एक दो तीन, तो नीचे तीन जीरो आ जाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन। अब ये जीरो हम हटा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया है, तो ये होता है 24 फोर जा, उसके बाद आ गया 4×10 40%। तो बोरोन जो है वो हमारे पास 40% में प्रेजेंट है। अब अगर आप चाहो आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो कि टोटल 100% होता है उसमें से अगर हम बोरोन को माइनस कर देंगे, मींस बोरोन को 40% अगर हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60% जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगी। टोटल 100% ही होता है, 100% में अगर एक बोरन 40% है तो दूसरी 60% होगी। अगर यहाँ पे दो से ज्यादा होते, जैसे तीन होते, फिर आपको ये नहीं कर, फिर आप ये नहीं कर सकते थे, फिर आपको पहले दो के निकालने पड़ते, फिर तीसरे के लिए आप ऐसे माइनस कर सकते थे। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है बिना ये यूज किए तो आप कर सकते हो। वेट कितना है ऑक्सीजन का 144 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके पॉइंट हटाएंगे नीचे तीन जीरोस, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर दो जीरोस, तीन जीरोस के साथ तीन जीरोस कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 6×10 विच इज इक्वल टू 60%। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो और ये ट्रेडिशनल मेथड जो है वो भी यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।